बड़ी खबर सामने आ गई, वो बता दें विदेश दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए स्वागत को लेकर पीएम मोदी का भी बयान देखिए सामने आया, ये यश देश के पुरुषार्थ का है। विदेशों में देश के युवाओं का डंका बजा। उत्तराखंड की ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जिसका तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को दे रहे हैं, और देश की ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन है, यानी उत्तराखंड से दिल्ली का सफर, देहरादून से दिल्ली का सफर आज और आसान हो जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से विदेशों के मंच पर भारत का सम्मान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से सम्मानित किया गया, और जब सुबह वो लौटे तो किस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समर्थकों में बेहद खुशी का माहौल था, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है, साथियों आपको जानकर के खुशी होगी। और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको सुबह की दिखा रहे हैं, जब तड़के सुबह प्रधानमंत्री अपने तीन देशों की यात्रा से वापस लौटे, और देखिए किस तरह से स्वागत की तैयारियां की गई थी, नाच गाकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में पालम एयरपोर्ट पहुंचे जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।